जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, जब आपको आने वाले दिनों में धन का लाभ होने वाला होता है तो माँ लक्ष्मी आने से पहले क्या संकेत देती हैं? माता लक्ष्मी को धन धान्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उनको धन की कभी कमी नहीं होती। जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती। जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वे मिट्टी को भी हाथ लगाएं वो सोना बन जाती है, अर्थात हर काम में उनको धन लाभ होता है। आने वाले दिनों में धन का लाभ होने वाला होता है तो माँ लक्ष्मी देती है कुछ खास संकेत, तो जानते हैं वे कौन से संकेत हैं। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। सामान्य तौर पर यह पक्षी जल्द कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अगर आपको घर के आसपास अचानक से कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत करता है कि आने वाले दिनों में जल्दी आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। मान्यता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए अगर आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपका कार्य सफल होगा और आपको आने वाले दिनों में कहीं से धन का लाभ होने वाला है। सुबह उठने के बाद अगर आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। आपका कोई अटका हुआ कार्य सफल हो जाएगा, आपको धन का लाभ होगा। यदि सपने में सांप को बिल के साथ देखते हैं तो ये संकेत है आपको अचानक कहीं से धन लाभ होने वाला है। अगर आपको सपन में नृत्य करती हुई कोई कन्या या स्त्री दिखाई देती है तो यह संकेत है आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। यदि सपने में आप मधुमक्खी का लगा हुआ छत्ता देखते हैं तो ये संकेत है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। यदि सपने में आप सोने के आभूषण देखते हैं तो यह भी संकेत है कि कहीं से अचानक आपको धन लाभ होने वाला है। यदि सपने में किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो यह संकेत है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, कि आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी आने वाली है, अचानक आपको धन लाभ होने वाला है। अगर आप स्वप्न में चूहों को देखते हैं तो यह भी संकेत है आपको कहीं से धन का लाभ होने वाला है। अगर आप स्वप्न में खुद को दीपक जलाते हुए या कहीं दीपक जलते हुए देखते हैं तो यह भी संकेत है कि आपको अचानक कहीं से धन का लाभ होने वाला है। अगर अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां आकर झुंड बना लें और कुछ खाने लगें तो ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जल्दी आपके घर आने वाली है और आपको धन का लाभ होने वाला है। अगर आपके घर में अचानक तीन छिपकलियां एक ही जगह दिखाई दें तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है, आपको अचानक कहीं से धन का लाभ होने वाला है। मान्यता है कि अगर आपके दाहिने हाथ में लगातार खुजली हो रही है तो यह संकेत है कि आपको अचानक कहीं से धन लाभ होने वाला है। अगर दिवाली के दिन तुलसी जी के पौधे के आसपास छिपकली दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत है कि आपको अचानक कहीं से धन लाभ होने वाला है। घर से बाहर जाते समय या सुबह उठते समय बाहर कोई कुत्ता कौवा अपने मुंह में रोटी ले जाता हुआ दिखाई दे तो ये भी संकेत है कि आपको धन का लाभ होने वाला है। यदि सपने में झाड़ू शंख छिपकली सांप उल्लू घड़ा या सुराही बांसुरी नेवला तारे गुलाब के फूल आदि दिखाई देते हैं तो यह संकेत करते हैं कि आपको आने वाले दिनों में धन लाभ होने वाला है। अगर आप खुद को सपने में पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं तो यह संकेत है आपको धन का लाभ होने वाला है, आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है या करियर में आपको तरक्की मिलने वाली है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।